अगर आपको इंस्टेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको बहुत जल्दी है जॉब पाने की, तो इस वीडियो को देखना, क्योंकि चार ऐसी जॉब्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जिनमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर आप 12th पास है, अगर आप ग्रेजुएट है, कोई भी हो, आप इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ जॉब के नाम ही नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे जॉब को सर्च किया जाता है, कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन की जाती है, सैलरी नेगोशिएशन कैसे होती है, वो सारा ही प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, जो जॉब्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसमें ये भी चांसेस है कि आपकी यहाँ पे जो जॉब है वो पेटीएम में लग जाए, आपकी जॉब अमेज़ॉन में लग जाए, गूगल में लग जाए, या और किसी बड़ी आईटी कंपनी में आपकी जॉब लग सकती है, क्योंकि सारे ही प्रोसेस ऐसे हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्निकल चीजें इन्वॉल्व है। सो जिनको भी जॉब की रिक्वायरमेंट है ना, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज की गारंटी मैं देता हूं कि अगर आप प्रॉपर चीजों को फॉलो करते हो तो 10 दिन के अंदर ही हो सकता है आपके यहां पे जॉब लग जाए। सो सारा प्रोसेस अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सो हे एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस जब भी हम लेके आएँ आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को उन चार जॉब्स के बारे में बता देता हूँ जिनके बारे में आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ढूंढना वगैरह है। सो ये चार जॉब्स है दोस्तों, सेल्स एग्जीक्यूटिव की, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स की, तीसरे नंबर पे टेक्निकल सपोर्ट से रिलेटेड जो जॉब्स होती है, और यहाँ पे चौथे नंबर पे हम रखेंगे चैट सपोर्ट से रिलेटेड जो जॉब्स होती है। ये चार ऐसी जॉब्स है दोस्तों जिनकी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सभी आईटी कंपनीज, टेक कंपनीज में होती ही होती है, क्योंकि कॉल सेंटर्स के बिना मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई कंपनी सर्वाइव कर सकती है। या तो वो खुद का कॉल सेंटर सेटअप करती है, या फिर वो कॉल सेंटर्स को जो है आउटसोर्स करवाती है, दूसरे कंपनी को अपने काम का ठेका देती है, ठीक है। सो यहाँ पे इन चार फील्ड्स में आपकी जॉब लग सकती है, और ज़्यादातर जो डिमांड रहती है जॉब मार्केट में वो इन्हीं चार जॉब से रिलेटेड रहती है। बाकी जो अदर जॉब्स होती है मैनेजमेंट रोल से रिलेटेड या हायर पोजिशन से रिलेटेड, वो या तो कंपनी जो है रेफरल के थ्रू हायर करती है, या फिर जो है कॉलेजेस में जाके खुद रिक्रूट करती है। बट अगर किसी को यहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, घर पे खाली बैठने से अच्छा जॉब कर ही लिया जाए। सो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि जॉब ढूंढा कैसे जाता है। मैंने आपको चार जॉब्स तो बता दी, बट जॉब ढूंढना कैसे है, ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि वो एक वेबसाइट, दो वेबसाइट में अपना अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद वो दो चार दिन सर्च करते हैं, उसके बाद सर्च करना बंद कर देते हैं। देखिए, अगर आपको जॉब ढूंढनी है तो ये बहुत आसानी से नहीं मिलेगी। जितनी भी जॉब हंटिंग वेबसाइट पर जाओगे वो आपको बहुत सारी जॉब दिखाएगा, बट ज़्यादातर जॉब पुरानी होती है या रेलेवेंट नहीं होती है। तो ऐसे में आपको जो नई जॉब्स होती हैं, जब आप किसी भी जॉब हंटिंग वेबसाइट पर जाओगे तो साइड में आपको एक फ़िल्टर दिखेगा, तो वहाँ पर जो न्यूएस्ट जॉब है उस फिल्टर को क्लिक कर देना, तो जो रिसेंट की जितनी भी जॉब्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी, और सारी ही जॉब्स में आप अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा आप देखना कि जहाँ पे जॉब के बारे में लिखा रहेगा, जब आप जॉब सर्च करोगे तो वहाँ पे एक एचआर का भी नंबर दिया रहता है। एचआर वो होता है दोस्तों, एचआर वो पोस्ट रहती है कंपनी में जो यहाँ पे जॉब रिक्रूटमेंट करता है कंपनीज़ में, ठीक है। तो आप डायरेक्टली उस रिक्रूटर को, मतलब उस एचआर को भी कॉल करके देख सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं कि भाई जॉब कहाँ मिलने वाली है, क्या प्रोफाइल में जॉब है, और कैसे जॉब लगेगी, मतलब कहाँ पर आपको आना पड़ेगा जॉब इंटरव्यू वगैरह के लिए। तो उनसे भी आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर उनका नंबर नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप यहाँ पे जो है मेल वगैरह कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा ही रहेगा, ठीक है जी। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि दो चार वेबसाइट में अकाउंट ना बना के जितनी भी जॉब हंटिंग वेबसाइट्स है सभी में अपना अकाउंट बना ले। ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके यहाँ पे जॉब लग सकती है। यही तरीका है दोस्तों जॉब सर्च का। इसके अलावा अगर आपके कोई दोस्त वगैरह है तो आप उनको भी बोल सकते हैं कि आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, अगर उनकी कंपनी में कोई जॉब वगैरह है तो वो आपको दिलवा सकता है। ये एक ट्रेडिशनल तरीका हो गया। इसके अलावा लिंक्डइन वगैरह में प्रोफाइल जरूर बना लीजिए। लिंक्डइन यूज नहीं करना आता तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि लिंक्डइन को यूज करना सीखिए अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना चाहते हो। लिंक्डइन कैसे यूज करते हैं, उससे कैसे जॉब ढूंढी जाती है, इस पर मैंने वीडियो बनाया था पिछले कुछ समय पहले। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। सो यहां से आपको जॉब मतलब कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी, कोई ना कोई जॉब तो आपके लिए आपको होगी ही होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरव्यू के लिए।
इंटरव्यू की प्रेपरेशन कैसे करें। देखिए, इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मैं इन चार जॉब्स की बात करूँ, सेल्स की, बीपीओ की या चैट सपोर्ट की, या फिर आप कह सकते हो कि टेक्निकल सपोर्ट की, तो यहाँ पे एक ही रिक्वायरमेंट होती है, वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, अगर आपको अच्छे से बोलना आता है, तो आपकी कहीं ना कहीं जॉब लगी जाएगी। बाकी की जो प्रेपरेशन होती है, यानी कि बाकी की जो ट्रेनिंग वगैरह होती है, वो ज़्यादातर ये कंपनीज जो है खुद करवा देती है, टेक्निकल कंपनीज। सो बाकी की चीज़ों की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते हो, तो आपके यहाँ पे जॉब लग सकती है। अब काम क्या करें कम्युनिकेशन स्किल्स में, क्योंकि दोस्तों अगर आप सिर्फ एक इंटरव्यू से पहले जागोगे और कहोगे कि मुझे आज के आज में मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो जाए, तो वो यहाँ पे पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो, आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए अगर आप कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हो। अगर इंग्लिश बोलना नहीं भी आ रहा, तो कुछ क्वेश्चन है उनके यहाँ पे प्रिपरेशन कर लो। जैसे हर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या दे सकते हो, क्या अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, वो कर लो। आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या थी, आपके इंटरेस्ट क्या है, इसके अलावा आपने लाइफ में अभी तक सबसे अच्छा क्या किया है, आपका सबसे अच्छा डे क्या रहा है, इन पे प्रिपेयर कर लीजिए दोस्तों इंग्लिश में, कि आप कैसे इस चीज़ को बताएंगे। अगर किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं भी है दोस्तों, अगर आप सिर्फ यहाँ पे इन क्वेश्चन के भी प्रेपरेशन कर लेते हो, तो भी आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल सकती है, चांसेस है दोस्तों, ठीक है जी। बट प्रिपेयर ज़रूर कर लीजिए और अपने इंग्लिश पे काम करते रहिए अगर आप कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हो। बिकॉज ज़्यादातर कॉर्पोरेट जो जॉब्स होती है, जो अमेजोन से रिलेटेड है, पेटीएम से रिलेटेड है, और कोई टेक कंपनी से रिलेटेड है, या फिर सर्विस कंपनी से रिलेटेड है, वो यहाँ पे जो अपने प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पे बाहर के भी लेते रहते हैं। तो वो ऐसे बंदे को हायर करते हैं जिनको इंग्लिश अच्छी आए। तो हालांकि ऐसा नहीं कि सबको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है, कई ऐसे भी जॉब्स है जहां पे सिर्फ हिंदी की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आप अपनी एक इंग्लिश अच्छी करके रखिए। हर इंसान को दो लैंग्वेज तो कम से कम अच्छे से आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। एक तो हिंदी हो गई, या फिर आपकी कोई ट्रेडिशनल लैंग्वेज होगी, या फिर इंग्लिश हो गई, ये दो लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। सो इस पर काम जरूर करना दोस्तों। और अब बात करते हैं सैलरी नेगोशिएशन की। तो देखो यार, सैलरी की बात करूँ ना, तो अगर आप 12th पास हो और आपके पास कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, सो आप सैलरी 10-12 हज़ार तक ही एक्सपेक्ट करें, उससे ज़्यादा आपकी नहीं मिलेगी। हो सकता है बोनस वगैरह मिला के आपको 15,000 रुपये मिल जाए, बट उससे ज़्यादा नहीं है मार्केट में सैलरीज। आप लोगों को भी पता होगा, अभी रिसेशन चल रहा है, ठीक है। इंडिया रिसेशन की फील्ड में एंटर कर चुका है, और ये जो रिसेशन आने वाला है दोस्तों, कह रहे हैं, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट में भी बताया जा रहा है कि सबसे खतरनाक रिसेशन है। जितने भी रिसेशन अभी तक आए हैं इंडिया में, 4 रिसेशन ऑलरेडी आ चुके हैं, ये 5वां रिसेशन होगा जो इंडिया में आ चुका है दोस्तों, ये कन्फर्म है, ठीक है। सो अभी दोस्तों मार्केट में जॉब्स बहुत कम है, कंपनीज उन्हीं लोगों को हायर कर रही है जिनकी उनको स्ट्रिक्ट ज़रूरत है, एक्स्ट्रा कोई भी बंदे हायर नहीं कर रही कंपनी। अब रिसेशन का दोस्तों सिंपल मतलब होता है कि लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। अब जब लोगों के पास पैसा नहीं है, तो लोग पैसा भी कम खर्च करेंगे। अगर लोग मार्केट में जाके पैसा कम खर्च करेंगे, तो कंपनी सामान नहीं बना पाएगी। मतलब कंपनी सामान क्यों बनाएगी जब उसको खरीदने वाला कोई नहीं होगा। अगर यहाँ पे कंपनी अपनी प्रोडक्शन को रोक देगी, सामान नहीं बनाएगी, तो जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, या तो कंपनी उन लोगों को निकाल देगी जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा बैठे हैं, या फिर उनकी सैलरीज में कटौती कर देगी, या फिर आप कह सकते हैं कि अभी नए रिक्रूटमेंट्स जो है कंपनी नहीं करेगी। यू गेटिंग माई पॉइंट, कि यहाँ पे अगर इंडिया का मार्केट काम नहीं करता है, तो सारी चीज़ें जो है चरमरा जाएंगी बॉस, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल जो है देश का चरमरा जाता है। और अभी हम लास्ट 2 क्वार्टर से यही देख रहे हैं कि हमारी GDP जो है बहुत लेस जा रही है, इसलिए इंडिया जो है आप कह सकते हैं कि रिसेशन में उतरा है। ये जो कंडीशन है ये सुधर सकती है, बट अगर मैं जॉब की बात करूँ, तो अगर आप 12th पास हो, तो इन फील्ड में अप टू 15,000 तक की आप सैलरी एक्सपेक्ट करें। अगर आपकी कोई भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक्सपीरियंस आपको नहीं है, हो सकता है आगे आने वाले समय में बढ़ जाए, बट अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन करके मत जाना कि मुझे कोई 20,000 दे देगा, 25,000 दे देगा, नहीं मिलेगा यार, ठीक है, नहीं मिलने वाला। आज की डेट में तो जिसके पास जॉब है वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की तो ऑलरेडी जॉब जा चुकी है, या फिर जो है उनकी सैलरीज कट हो रही है। तो अगर आपके पास जॉब है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों की हेल्प हुई होगी। और अगर बात करें कि आपकी जॉब किस फील्ड में लगने वाली है दोस्तों, तो यहाँ पे जो जॉब ओपनिंग्स खाली रहती है उस फील्ड में आपकी जॉब लग जाएगी, या फिर अमेजोन में लगे, या फिर आप कह सकते हैं कि पेटीएम में लगे। सबके प्रोसेसेस जो है चालू रहते हैं, जब आप जॉब सर्च करने जाओगे तो आप लोगों को ऑलरेडी पता लग जाएगा। और लास्ट में दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब जॉब ढूंढ रहे होते हो ना, तो उस समय हार मत मानना, लगे रहना दोस्तों। जो यहाँ पे लग के प्रैक्टिस करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसकी जो जॉब है 10 दिन
दिन के अंदर ही लग सकती है, बट यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे लोगों को कॉल्स करने पड़ेंगे, एफर्ट डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देख लिया और आपने सोच लिया 10 दिन के अंदर मेरी अपने आप जॉब लग जाएगी। तो यहाँ पे जॉब 10 दिन के अंदर उसी की लगने वाली है जो यहाँ पे मेहनत करेगा, जो यहाँ पे चीज़ें खुद से करके देखेगा। अपने आप कोई चीज़ नहीं होगी दोस्तों, मेहनत आपने करनी है, ठीक है जी। तो जिन लोगों को जॉब की रिक्वायरमेंट है, खाली मत बैठो। घर पे खाली बैठने से अच्छा है या अपनी ड्रीम जॉब सोचने से अच्छा कुछ ना कुछ कर लेना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है, वो सोचते हैं कि हम 40,000 वाली जॉब करेंगे, 50,000 वाली जॉब करेंगे, लाख वाली जॉब करेंगे, जहाँ पे मार्केट में है ही नहीं, तो आप वो सारे सपने क्यों देख रहे हो, उसके चक्कर में आप खाली बैठे हो। तो ऐसा मत करो दोस्तों, जो मिल रहा है अभी कर लो, आज की डेट में तो वही बढ़िया है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे वीडियोज जॉब से रिलेटेड हमने और बनाए हैं, वो भी जाके चेक जरूर करें। मैं आप लोगों से जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।